स्टूडेंट्स, आज आप लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही लेंथी भी है, क्योंकि इसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हैं और काफ़ी बेस से लिया जाता है। लेकिन मैं उतना आपको पढ़ाऊंगा जितना कि आपको इस टॉपिक के लिए सफिशियंट है। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में डेफिनेशन आप देखिए, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन इसका ये है कि द एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें द एक्सप्रेशन ऐसा व्यंजक जिसमें इन विच द एंगल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू इज सेट टू बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मतलब ये हम कहते हैं कि इसमें, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का वैल्यू फाइंड आउट होता है। कैसे? जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इसकी बात में कर रहा है। ठीक है, द एंगल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, मतलब कोई भी एंगल का वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड आउट होता है। ठीक, अब जब बात इनवर्स की आई तो एक बात आपको यह भी पता है कि इनवर्स के लिए द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन मतलब एफ इनवर्स कैन बी फाइंड ओनली इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ये बात हम लोगों को पता है, ये बात हम लोगों को पता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो फंक्शन क्या हो, वन वन एंड ऑन टू हो। ठीक है, तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट होने के लिए जरूरी है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट के लिए जरूरी है कि आपका जो फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, बिकम्स वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, एनी फंक्शन, तो इसी के बारे में हमने यहाँ पर ये लाइन लिखा है, ये हम लोग जानते हैं। द इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। नेक्स्ट, अगली लाइन, अब तो इट इज क्लियर दैट, मतलब इससे यह स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट, जब ऐसी बात है तो यह स्पष्ट है कि द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स हो, इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है, द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम बताइए, अब हम उसी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो भैया फिर कैसे, क्या करेंगे, इसका तो इनवर्स ही पॉसिबल ही नहीं है। फिर इट इज क्लियर दैट द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड रेंज, मतलब इनका जो नेचुरल डोमेन और रेंज है
उसमें फिर इसका एडवांस पॉसिबल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अब ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ऊपर वाली लाइन हमने लिख दिया है वन वन आर टू होने पर ही इनवर्स मिलेगा, तो हम फिर नीचे लिख रहे हैं कि इट इज क्लियर दैट इनवर्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचुरल डोमेन और रेंज होता है फिर उसमें इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या, फिर ये चैप्टर गलत हो गया? नहीं, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि इसका नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग में सबसे पहले आप यही सीखिए इनका नेचुरल डोमेन और रेंज होता क्या है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन और रेंज जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हम जानते हैं कि साइन एक्स अगर जीरो है इसका मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। एन पाई मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये टर्म जीरो होता है वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? मतलब यहाँ क्या आएगा? पाई आएगा। यहाँ क्या आएगा? टू पाई। यहाँ क्या आएगा? थ्री पाई। इस तरीके से तो इसका मतलब है कि साइन का ये वैल्यू जीरो होता है, ठीक है? एन पाई का वैल्यू जीरो होता है, वन पाई टू पाई ऐसे भी आप देख लीजिए, यहाँ वन पाई होगा, यहाँ टू पाई होगा, फिर से यहाँ थ्री पाई, फोर पाई। इस तरीके से साइन का ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ हमेशा जीरो मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि इसी तरीके से दूसरा कॉस को देखें कि कॉस एक्स जीरो कब मिलता है? जब एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ से शुरू करते हैं साइन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू जिस पर फंक्शन सेटिस्फाई है। तो ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक सारे वैल्यू ले लेगा और इसी को रियल नंबर कहते हैं। रेंज क्या आएगा? हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज है वो प्लस वन और माइनस वन के ही बीच में रहता है, तो इसका रेंज हो गया माइनस वन प्लस वन, ठीक है? इसी तरीके से कॉस का जो डोमेन होगा आर होगा और रेंज इसका भी माइनस वन से प्लस वन मिल जाएगा। अब टैन की बात करें तो इसमें भी आर होगा, नहीं? टैन के लिए टैन का फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब कॉस जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ उस चीज़ को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन, ये समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है? ये समझ रहे हैं कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू वहाँ पर जीरो होता है जहाँ एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि टैन में साइन, जैसे ही कॉस, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन कॉस कॉस जीरो होने पर ही इन्फाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये टर्म डोमेन में से अगर आप निकाल देते हो तो इन्फाइनाइट नहीं होने पाएगा। तो इस तरीके से टैन का डोमेन ये प्राप्त होगा। रेंज क्या होगा? रियल नंबर। कॉट की बात करें तो कॉट में कॉस अपॉन साइन, इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर ये एन पाई माइनस करना पड़ेगा, एन पाई वेयर एन इज बिलोंग टू इंटीजर और इसका रेंज आर प्राप्त होता है। और सेक की बात करें सेक क्या होता है? सेक होता है वन अपॉन कॉस। सेक की बात करें वन अपॉन कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है? जीरो कहाँ होता है? टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर जीरो होता है। तो यहाँ पर आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन और पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है? ये तो डोमेन हो गया सेक का। रेंज क्या होगा? रेंज कॉस का जो रेंज होता, सेक का जो रेंज होता है वो कभी भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आर माइनस माइनस वन और वन हम लिखते हैं, ठीक?
कोसेक की बात करें तो आर माइनस वन अपॉन साइन होता है, तो साइन के लिए हम जानते हैं एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग टू जेड, और यहाँ पर भी आर कोसेक भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं फाइंड आउट होता है, तो इसीलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। ये ओपन इंटरवल के लिए, कोई ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते, ये ओपन इंटरवल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि अगर हम इनवर्स फंक्शन चाहते हैं तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसके रेस्पेक्टिव डोमेन में, ठीक। तो आगे देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि किस इंटरवल में या वन वन और वन टू पाया जाएगा उसी टर्म्स को आपको लेना होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, साइन एक्स का पहले आप रिस्ट्रिक्शन देखिए। साइन एक्स का तो एक बार आपने ग्राफ देख लिया, वैसे फिर आप देख सकते हो वाई इक्वल टू, तो यहाँ लिख देते हैं इफ वी रिस्ट्रिक्ट द साइन फंक्शन, इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन, देन साइन फंक्शन या आप कह सकते हैं साइन टू कोसेक, मतलब सिक्स फंक्शंस साइन टू कोसेक, देन इट कैन बी पॉसिबल द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो हम देख सकते हैं कैसे, देन इट कैन बी पॉसिबल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अगर हम इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन टू कोसेक, मतलब इनके बिटवीन जो भी सिक्स फंक्शन है इनको अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें तो देन इट कैन बी पॉसिबल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेंज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप साइन का एक ग्राफ देखिए, वाई इक्वल टू अगर यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स का सबसे पहले आप ग्राफ समझिए क्या होता है। ये y है, x है, सॉरी y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाए साइन का तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, इधर से, ठीक है। ये आपका जीरो है, ये यहाँ पर पाई बाई टू है, ये वन होता है यहाँ पर, ये माइनस वन होता है, ठीक। यहाँ पर जीरो होता है, साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, यहाँ पर क्या होगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू, यहाँ पर फोर पाई बाई टू यानी टू पाई होता है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फाइव पाई बाई टू होता है, मतलब फाइव पाई बाई टू पर अगेन वो अपने वैल्यू को रिपीट करता है, यहाँ थ्री पाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी आप कर सकते हैं माइनस पाई बाई टू और माइनस का टू पाई, माइनस का थ्री पाई बाई टू, सॉरी यहाँ माइनस का पाई और यहाँ पर माइनस का थ्री पाई बाई टू और माइनस का टू पाई और माइनस का फाइव पाई बाई टू और यहाँ पर माइनस का थ्री पाई, इस तरीके से टर्म्स हैं। पाई बाई टू का इंटरवल है, यहाँ पाई बाई टू ऐड करते जाइए, अगला मिलता जाएगा, कोई रखने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री भी इसका वैल्यू वन हुआ। हम ऐसे भी आपको दिखा सकते हैं क्योंकि आप रिलेशन और फंक्शन हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वैसे भी हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए साइन का ये जो वैल्यू है पाई बाई टू पर क्या प्राप्त होता है वन, अगेन फाइव पाई बाई टू पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये वन वन नहीं है। अब आप लिख कर सकते हैं ना नॉट वन वन, मतलब ये वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, क्यों नहीं है, आप देख सकते हो दो एलिमेंट्स के एक ही इमेज प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए वन वन नहीं है, वन वन में डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ें, यहाँ तो आप समझ में आ गए कि वन वन नहीं है, तो वन वन के लिए ही तो सब कुछ यहाँ वर्क करना है।
तो अब आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का एक मैं नया फिगर बना दे रहा हूँ, ये y है, ये x है, x डैश है, y डैश है और ये जीरो है। तो यहाँ अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करते हैं तो वह डोमेन होता है, मैं आपको और भी समझा सकता हूँ। इसमें देखिए, जैसे यहाँ 30 डिग्री आप लेते हो, 30 डिग्री यानी पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ होगा 1/2, ठीक है। पाई बाई सिक्स पर क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ 150 ले लीजिए, 150 डिग्री, इसका भी वैल्यू सेम आ जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 और साइन 60 का भी वैल्यू, साइन 150 का भी वैल्यू 1/2 ही होगा, ये आपको पता है, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 कर देंगे तो ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हर तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ एक्स के दो वैल्यू हैं लेकिन वैल्यू सेम है, इसका भी 1/2 मिल रहा है, इसका भी 1/2 मिल रहा है, मतलब लाइन तो 1/2 की ही है, तो चाहे 30 रखिए चाहे 150 रखिए, दोनों पर सेम मिल रहा है। इसलिए 1/1, बस इसके आगे अगर आप बढ़ रहे हैं तो 1/1 की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की जरूरत होती है और वो ये है, ठीक है, वो ये है, इसी को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहा जाता है। ये -1 है, ये +1, ठीक है। इसी जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आप साइन फंक्शन, बस यही तो, यही फंक्शन है। तो इसका जो डोमेन हुआ, अब जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हुआ साइन फंक्शन के लिए, इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हुआ, अब हो गया -π/2 से +π/2, ये इसका डोमेन। रेंज क्या हुआ 1 और -1, ये रेंज हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इस फंक्शन के लिए समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम इसको इनवर्स फंक्शन के रूप में प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए देखिए, अब हम इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। इस सबको, सारे फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए और देखिए, तो इनवर्स फंक्शन में होता क्या है, जो आप फिगर x के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वही y पर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, अभी आपका फंक्शन बन गया, ये y है, ये x, x डैश है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए अब आपको ग्राफ बनाना है। अब यहाँ x के लिए जो π/2 -π/2 है वो इसके लिए बन गया π/2 -π/2, ठीक। इस तरीके से 1 और -1 जो y एक्सिस पर था वो x एक्सिस पर आ गया, -1 और +1, ठीक है। तो स्पष्ट है कि अगर अब हम इसको सॉल्व करें, कहने का मतलब ये आपका ग्राफ बनाए तो कुछ यूं आपको ग्राफ मिलता है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ये मतलब ये देखिए यहाँ, ठीक है, ये आपको ग्राफ, दोनों में अंतर आ रहा होगा, ये इधर को मूव कर रहा है मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, इधर से ऐसे ऐसे चलेगा, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चलेगा, वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से समझिए कि जब x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू π/2 प्राप्त होता है, जब x का वैल्यू -1, आप इसको देख भी सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, y = sin 1, जब 1 लेते हैं तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है, π/2, डायरेक्ट आप π/2 रख सकते हैं, और y = sin 1 -1 लेते हैं तो ये -π/2 होता है, ठीक। तो अब इसका डोमेन क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, अब उलट जाएगा। हम जानते हैं इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज रिवर्स हो जाता है,
तो अब इसका डोमेन क्या है, पहले डोमेन क्या था ये, रेंज क्या था ये, अब ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, मतलब इसका डोमेन बन जाएगा -1 to 1, ठीक है। डोमेन क्या बन जाएगा -1 to 1, रेंज क्या बन जाएगा π/2 से -π/2 से +π/2, ये इसका डोमेन हुआ, ये इसका रेंज हुआ। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसी तरीके से cos, tan और बाकी को हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अगर ये आप समझ गए होंगे तो cos, tan, sec, cosec भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको सारे डोमेन और रेंज फंक्शन के लिख देते हैं। देखिए अब तो आपको ये समझ में आ गया कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज क्या होता है, तो ये सब समझ में आ जाएगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसी तरीके से आप जैसे भी अभी आपने देखा साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या प्राप्त हुआ -1 to 1, रेंज क्या प्राप्त हुआ -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब कॉस इनवर्स के लिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस इनवर्स के लिए डोमेन यही प्राप्त होगा और रेंज जो होगा 0 से π, यदि आप उसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो उसका रेंज 0 से π प्राप्त होगा। और टैन इनवर्स की बात करें तो डोमेन आर और रेंज क्या प्राप्त होगा ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स की बात करें तो डोमेन का रियल नंबर प्राप्त होगा और रेंज 0 से π ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेक इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है वो आर माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल में और जो रेंज होता है वो 0 से π क्लोज इंटरवल में -π/2। π/2 पर डिफाइंड नहीं होता इसीलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। कॉसेक इनवर्स की बात करें तो इसमें भी -1 to 1 का ओपन इंटरवल और जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2, इसमें क्या होगा -0, क्योंकि ये 0 पर डिफाइंड नहीं होता है। इसको आप समझ गए होंगे। तो ये है इसका डोमेन और रेंज। तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ तक स्टडी करिए और इसके आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो आप लोगों को पढ़ा रहे थे विनोद दुबे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।